लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, दुष्यंत गौतम, 8 साल, भारत माता की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी मयूर विहार फेज 3 में हूं और यहां पे गर्मी से निजात दिलाने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। और ठंडे पानी का जो सर्विस जो व्यवस्था की गई, हमारे राज्यसभा सांसद हैं दुष्यंत गौतम जी हैं सर, ये गर्मी में निजात के लिए ठंडे पानी आप दे रहे हैं। ये गर्मी में निजात भी है और हमारी भारतीय संस्कृति भी आज निर्जला एकादशी है। हमारे अनेकों अनेक संस्कारों के अंदर अनेकों अनेक समय पर अनेकों अनेक समस्याओं से निदान की अनेकों अनेक परंपराएं हैं सर, लेकिन ये गर्मी में ठंड भी है। आप इसको गर्मी में ठंडी देख रहे हैं, हम अपनी परंपराओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, परंपराओं के तहत ये सारा कुछ चलता है। इस कारण से याद देखा जाए, प्रधानमंत्री के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 8 वर्ष के अंदर ये भी निर्जला एकादशी को जल वितरण पानी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है सर, ये आपका मतलब 8 साल पूर्ण होने पर ये गर्मी में आप ठंड पानी के एक संस्कृति को वो पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं एक राजनीतिक सवाल करना चाहता हूँ कि जो देश में जो अभी गर्मी चली हुई है, नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर के गर्मी चली हुई है, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं इसके विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि आज से कई साल पहले MF हुसैन जो हमारे पेंटर थे वो हिंदू देवी देवताओं पर कई तरह की अश्लील तस्वीरें बना चुके हैं, उस समय कहाँ थे वो कंट्री, मुस्लिम कंट्री जो अभी जो विरोध कर रहे हैं। नुपुर शर्मा तो एक बयान थी जो उसमें जो कहते जो बात थी सच्चाई को उसने सामने रखा, वो कुछ ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा बोली, वो सच्चाई को TV के सामने रखी, वो इस बात के लिए इतना बवाल हो गया। तो ये उस समय कहाँ थे ये लोग, मुस्लिम कंट्री जो हिंदू देवताओं के ऊपर जो अवहेलना की जाती है। ये आपका कहना भी ठीक है, उस बात का सरकार वो भी अन्य भी चिंता कर रहे हैं। और जो हुसैन के बारे में आपने कहा था, उसको देश निकाला हुआ था और देश के अंदर वापसी आया, उसकी मौत कितनी खतरनाक हुई है ये आप जानते भी होंगे, देश के अंदर नहीं रहा वो। इसलिए किसी भी देवी देवताओं के किसी आस्था के ऊपर बोलना ये मेरे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, और जो बोला गया उस पर सरकार संज्ञान भी ले रही है। थैंक यू हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज ये माताओं के पोर्टल पर और नर भारत की नारी शक्ति, जान है तो जहान है, आयुष्मान भारत योजना, कोविड टीकाकरण और ये रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड। सितंबर 2020 से 2022 तक लगातार 19 महीने में पूर्वोत्तर में होगा विकास का शून्य, मेडिकल एजुकेशन में ऐतिहासिक विस्तार, मजबूत ढांचे से विकास की रफ्तार। आज ये सब मोदी जी के कार्यकाल में देखी, ये काशी का कायाकल्प तब और अब। ठीक है, माताओं के वर्क लाइफ के संतुलन के लिए विश्वविद्यालय की बढ़ती संख्याएं, केदारनाथ का कायाकल्प है, उनको लेकर के आज 10 तारीख को मीठे जनता वितरण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया था बांटने को। आज इसमें हमारे राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी, मेरे बड़े भाई, आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।